दिग्रस कोविड केयर में बीते शनिवार को दोबारा शुरू हुई स्वैब सैंपल टेस्टिंग प्रक्रिया के तहत हाल ही में आरटीपीसीआर के तहत 60 से अधिक सैंपल इकट्ठा किए गए, बाद में जिन्हें जांच के लिए यवतमाल भेजा गया था। ऐसे में बुधवार की दोपहर हाथ आई रिपोर्ट में 53 रिपोर्ट्स निगेटिव आई है, वही 6 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, जबकि 2 रिपोर्ट्स अप्राप्त है। ऐसी जानकारी कोविड केयर के इंचार्ज डॉक्टर अभय गोविंदवार ने दी है। मालूम हो कि पॉजिटिव रिपोर्ट्स में बिठाला गांव के 3, गांधीनगर से 2 और गुरुदेव नगर से 1 शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। गौरतलब है कि कल तक दिग्रस कोविड केयर में कोई भी एक्टिव पॉजिटिव मरीज नहीं था, लेकिन बुधवार को 6 मामले पॉजिटिव आने से कोविड केयर में अब दोबारा कोरोना संक्रमित मरीजों की शिरकत शुरू हुई। जबकि दिग्रस में होम आइसोलेशन में 17 लोग हैं, उनकी स्वास्थ्य तेजी से सुधार होने से जल्द ही निगेटिव में तब्दील होने की राह पर है, ऐसी जानकारी कोविड केयर के सूत्र द्वारा दी गई। बहरहाल फिलहाल दिग्रस तहसील और दिग्रस शहर में कोरोना संक्रमण का फैलाव नियंत्रण में है। ऐसे में देखना होगा कि आगामी समय में कोरोना संक्रमण का ऊंट किस करवट बैठता है। इन बीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।